दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी के वैकेंसीज और ट्रेनिंग के लिए। तो आज जो वैकेंसी निकल गई है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से निकल के आई है ना, जो कि हरियाणा में है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट रखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से एस्टेब्लिश्ड है। और इसका थोड़ा सा बिट जो पीडीएफ है थोड़ा सा ये ब्लर में आया है मेरे पास, इसलिए जैसे इसका वीडियो अगर क्लियर आता है मेरे पास उसको मैं डाल दूँगा अच्छे से। और इसका देख लीजिए यहाँ पर कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहा। और इसका जो इसका देखिए यहाँ पर रखा गया जो लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है, 20/10 को ये अप्लाई करना शुरू हो गया। और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का 10/11/2023 है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको पोस्ट भी करना है, तो पोस्ट करने का जो लास्ट डेट रखा गया है 20/11/2023 तक रखा गया। मतलब कि ये फॉर्म जो आप भरना है ऑनलाइन वो आप 20/10 से आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आपको 10/11 तक फॉर्म को अप्लाई होगा, फिर उसके बाद उसको प्रिंट निकालने फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद सारा डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट क्या लग जाएगा, 10 से लेकर के एमबीएस तक का जैसे इतना डॉक्यूमेंट है सारा लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको 20/11/2023 से पहले उसको पोस्ट कर देना है। पोस्ट कहाँ करना है दोस्तों, पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पोस्ट देखिए यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। पोस्ट करना है आपको डिप्टी रजिस्ट्रार ईस्ट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में फील्ड गार्डन सेक्टर 51 गुरुग्राम 122003 एनी एडेमडन कोरिंगडम सेल बी पोस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मतलब आपको यहाँ तक ये आपको याद कर लेना है, यही आपका एड्रेस है, ठीक है ना, यहीं तक आपको एड्रेस पे इसी एड्रेस को पेस्ट पोस्ट कर देना है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है इसका कि देखिए ये इसमें क्या क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस पोस्ट पर अप्लाई करना है, या आपको सारे इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा जानकारी, ठीक है। देखिए यहाँ पहले एक वैकेंसी जो निकल के आई है यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट अटेंडेंट की वैकेंसी निकल के आई, जो कि प्योरली एक पोस्ट है, ठीक है, जो कि जनरल के लिए रखा गया, यूआर के लिए रखा गया, ठीक है। फिर इसमें देखिए इसको कैसे भरना है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है आपका 20/10 से है, और इसका क्लोजिंग डेट जो यहाँ पर रखा गया 10/11 रखा गया। आप इसकी वेबसाइट पर जाइएगा www.gurugramuniversity.ac.in, ठीक है, इस पे जाना है आपको, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको देखिए यहाँ नीचे दिखाता हूँ हाउ टू अप्लाई में कैसे इसको अप्लाई करना है। और नीचे आइएगा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, पहले इसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको उसको पोस्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना है, इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको 10/11 से पहले आपको अप्लाई कर देना है रात के 12 बजे तक। फिर उसको आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन अप्लीकेशन ऑनलाइन मोड, देन आपको क्या करना है, अप्लीकेशन फिर मस्ट बी प्रिंटेड एंड साइन ईच पेज। मतलब जो प्रिंट करिएगा फॉर्म भरने के बाद जो पेज होगा उसको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद सब में लास्ट नीचे साइन कर देना है अपना। साइन करने के बाद फिर आपका जितना भी ऑल सपोर्टिंग सेल्फ स्टेटस डॉक्यूमेंट, मतलब आपका 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन का है, फिर बिलिस का है, फिर एमलिस का है, सबका एक्सपीरियंस भी है तो एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा, सब पे अपना सेल्फ अटेटेस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पते पे आपको भेज देना है। कौन से पते पर, तो डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी मे फील्ड गार्डन सेक्टर 51 गुरुग्राम हरियाणा 122003 पर भेज देना है। 20/11/2023 से पहले आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद जैसे ही आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर आपको वहाँ से आपका क्या होगा, वहाँ पे कॉल आएगा, उसका देख लीजिए, पहले उसका इंटरव्यू होगा, फिर आपको एग्ज़ाम पहले होगा, एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। देख लीजिए सर क्वालिफिकेशन क्या क्या इसमें कहा जा रहा है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए कहा जा रहा है कि 10+2 होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका 10th में आपका हिंदी या संस्कृत से कोई एक आपका सर्विस होना चाहिए। फिर आपका देखिए 10th का 5% आपको मिलेगा, 12th का 5% मिलेगा, ग्रेजुएशन का 5% मिलेगा, रिटन टेस्ट आपका होगा 50 नंबर का, उसमें आपको 100 MCQ होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपका 20 नंबर का रोल, आपको 100 नंबर का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। फिर आइए नीचे इसमें देखते हैं कि इसमें ग्रुप डी में कैसे इसमें किया जा रहा है मार्किंग। तो यहाँ देखिएगा सिलेक्शन क्रिटेरिया अभी तक ग्रुप डी जो लाइब्रेरी का यहाँ पोस्ट है आपको ग्रुप डी में रखा गया है, ठीक है। इसमें आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है 25 मार्क्स का होने वाला है, और सोशल इकोनॉमिक्स क्रिटेरिया एक्सपीरियंस जो आपका 5 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का हो गया ना। देखिए इसमें क्या क्या है कि 95 मार्क्स में आपका क्या क्या इसमें पूछने वाला है, 75% वेटेज एज अ जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथ्स साइंस और कंप्यूटर इंग्लिश से होगा। फिर बाकी 25% जो है हिस्ट्री करंट अफेयर्स लिटरेचर ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स बाकी अदर सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। दोनों में आपको पास करना होगा तभी जाकर आपका कन्फर्म होगा। इस तरह से आपको जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन आपका बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको मुझे लगता है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगी तो आप मेरे
यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर है, आप उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल जो है लाइब्रेरी एजुकेशन हब करके है, लाइब्रेरी एजुकेशन हब करके उस पर आप जाइएगा, उस पर आप चैनल सर्च करिएगा मेरा आ जाएगा, और उसमें चैनल से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आशा करो दोस्तों सारी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।